स्कूल की मानिंद खूबसूरत और मासूम बच्चों की अपनी एक दुनिया और ख्वाहिशात होती हैं। ख्वाहिशात का इजहार और उन्हें पूरा करने का सारा दारोमदार वालदैन पर होता है, बिलखसूस ईद पर नए कपड़ों और जूतों का असूल और सैर की ख्वाहिशात जोर पकड़ जाती हैं। अगर यही मासूम फूल वालदैन के साए से महरूम हो जाएं, तो दर दर की ठोकरें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। ईद के दिन जहां एक तरफ बच्चे अपने वालदैन के साथ ही की खुशियों में गुम होते हैं, वहीं वालदैन के साए से महरूम बच्चे हसरत भरी निगाहों से उनकी इन खुशियों को देख रहे होते हैं। रावलपिंडी के रफाई इदारे में मुकीम अब्दुल हादी भी इन्हीं बच्चों में से एक है। चंदामा मजदूर के बड़े पकाए मूल के आप खाए थाली में हमको दे प्याली में प्याले गए टूट चंदा मामा गए रूट। अब्दुल हादी को याद नहीं कि उसे वालदैन से बिछड़े कितना अरसा गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद ईद के दिन सैर की ख्वाहिश उसके दिल में बदस्तूर मौजूद है। कि नमाज पढ़ेंगे और खेलेंगे और बाहर घूमने फिरने जाएंगे, खाना खाएंगे। अब्दुल हादी को वालदैन के साथ मनाई गई आखिरी ईद तो याद नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने वालदैन के भूले बसरे चेहरों को यादों की गुलाम गर्दिशों में लिए उनके लिए दुआगो है। या अल्लाह ताला मेरे अम्मी को और अब्बू को जन्नत दे। वालदैन के साए से महरूम ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ हंसता खेलता जरूर है, मगर फिर भी ईद के दिन तमाम खुशियों के बावजूद उसकी नजरें अपने अम्मी अब्बू को तलाश करते नजर आती हैं। अब्दुल हादी वालदैन की शफकत से महरूम वाहिद बच्चा नहीं, लेकिन सोचना ये है कि इन वालदैन की शफकत से महरूम बच्चों की फलाह बहबूद कफालत और इनको ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए हम अपना किरदार किस हद तक अदा कर रहे हैं। कैमरामैन नौशाद अब्बासी के साथ फैसल हकीम, वक्त न्यूज़, रावलपिंडी।